राइट, मैं 10 करवा रहा हूँ बेटे। बेसिक है। सैलरी आप जान। अच्छा एक देखना कि ये बंदा जो है ना, ये टीचर है, तो जो बंदा टीचर होता है उसको स्टेप नंबर 3 में जो कंसेशन आती है ना टीचर वाली, वो मिलेगी, ये याद रखना जी ठीक है बेटा। जो कंसेशन है ना स्टेप 3 वाली, वो मिलेगी ठीक होगी। अब बेटा बेसिक सैलरी, सैलरी में टैक्सेबल, क्वालिफिकेशन पे टैक्सेबल, अलाउंस टैक्सेबल। अच्छा उसके बाद बेटा अलाउड इज पर्सनल कार, बेटा पर्सनल कार फॉर ऑफिशियल यूज, रीइंबर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इतने, 10% ऑफ दीज इनकर्ड फॉर पर्सनल यूज। बेटे देखो जो रीइंबर्समेंट हो रही है किन की, रनिंग एक्सपेंसेस की ठीक है, उसमें से 10% पर्सनल है, जो पर्सनल है उस पे ये टैक्स देगा। जो बेटा रीइंबर्स हो रहे हैं पर्सनल, 1,20,000 का 10% लेके उसको सैलरी में हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, जो इसको रीइंबर्स हो रहे हैं पर्सनल ठीक है, 10% जो बेटे इसको देखो ना रीइंबर्स हो रहे हैं पैसे, ये 1,20,000, उसमें से 10,000 इसका पर्सनल है, तो जो 10,000 पर्सनल है उस पे दो ना भाई टैक्स, ठीक हो गया बेटे। प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है एम्प्लॉय का सैलरी में, जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है याद है बेटा, 10 लाख या सॉरी 10% ऑफ बेसिक सैलरी या 1,50,000, जो दोनों में से लेस होता है वो लेते हैं। और इसको कैसे लेते हैं, ये जो इंटरेस्ट होता है सर, 16% ऑफ फंड या 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी, दोनों में से जो लेस होता है उसको इसमें से माइनस कर देंगे बेटे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। सर जो एम्प्लॉयर पे करता है वो 35,000 है और वो सैलरी में जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा ग्रांट रिसीव फ्रॉम फॉर बिनोवलेंट फंड। बेटे ये जो बिनोवलेंट फंड होता है ना, ये ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, और ये जितने भी फंड्स होते हैं ना, जितने भी फंड्स होते हैं अदर देन प्रोविडेंट फंड, वो सारे और रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड सारे एग्जेम्प्टेड होते हैं बेटे। जितने भी फंड्स हैं अदर देन प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वो सारे एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाए। रीइंबर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल, सर रीइंबर्समेंट है एंटरटेनमेंट बिल की, तो सर आप देखिए ना इसके अंदर हमने ये देखना है कि ये कहाँ का बिल है, क्या घर का है, कहाँ की है उसने एंटरटेनमेंट। बेटे ये एंटरटेनमेंट अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये कहाँ किया उसने, सर उसने ये किया है ऑफिस में किया, और अगर ये ऑफिस में किया है तो ये क्या होगी बेटा, एग्जेम्प्टेड होगी। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड टैक्सेबल होता है, और इंटरनेट यूज ऑफिस पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्टेड, पर्सनल होता तो टैक्सेबल। बेटा नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हमारे पास है हाँ, फ्री गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये जो होता है ये ओन रिसोर्सेज से उसने प्रोवाइड किया है बेटे, अगर वो बिजली गैस वगैरह जो एम्प्लॉयर है ना वो अपने रिसोर्सेज से प्रोवाइड कर रहा होगा तो एग्जेम्प्टेड हो। सर वैसे तो आपने कहा था वो टैक्सेबल होती है जब बिजली गैस का बिल वगैरह, वो बेटे बिल होता है ना, ओन रिसोर्सेज मतलब उनका अपना ग्रिड लगा हुआ है, अपना ग्रिड लगा हुआ है जहां से वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर। ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ये एग्जेम्प्टेड होगा सर, ओन रिसोर्सेज मतलब कंपनी ने अपना रिसोर्स है कंपनी के, तो इसलिए वो एग्जेम्प्टेड हो जाए। अगर सिर्फ लिखा होता कि प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल टैक्स लगता, बिल्कुल लगता बेटे। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सर 2 लाख से ऊपर होगी है तो ये कहाँ जाएगी बेटा, सर स्टेप नंबर सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, सेपरेट ब्लॉक में जाएगी। और अगर 2 लाख से ऊपर होगी तो कितने परसेंट रेट लगेगा, 5%। नेक्स्ट बेटा प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन, सर प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। शेयर्स ऑफ एओपी, सर एक तो टोटल इनकम में ऐड, और एक स्टेप नंबर 2 जिसको हमने क्रेडिट कहा था, टैक्स क्रेडिट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग सेटअप इन बलूचिस्तान। सर फाटा के एरिया में आता है ये बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में जो भी हम सेटअप लगाएंगे और वो सर जो होता है ना वो एग्जेम्प्टेड होता है ठीक है। ये 2017 में लगा है ना बेटा, ये 17 में लगा है ठीक है, तो 17 से लेकर 5 साल तक वो एग्जेम्प्टेड होता है, 22 तक एग्जेम्प्टेड है, तो ये एग्जेम्प्टेड है, इस पे टैक्स नहीं लगना। प्रॉफिट ऑन डेट बेटा टोटल में से माइनस हो जाएगा। रेंट ऑफ एग्री लैंड यूज फॉर एग्री पर्पस, बेटे अदर सोर्स में जाएगा और एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्री लैंड है और एग्री पर्पस के लिए यूज हुई है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता बेटे,
ठीक हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट वॉज परचेज 5 years back। तो बेटे 5 years back आपने एक प्लॉट खरीदा और उसको बेच दिया, तो आप जानते हैं कि सर ये कैपिटल गेन में जाएगा। बेटा ये कैपिटल गेन में जाएगा और इस पे याद है कितना रेट लगेगा? सर इस पे रेट जो लगेगा ना, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये सेपरेट ब्लॉक में इस पे रेट लगेगा बेटे। ये वो ओपन प्लॉट वाला केस नहीं है, ये बेटा ओपन प्लॉट वाला केस है। रेट हम इसका देख लेंगे, रेट बेटे ये ओपन प्लॉट वाला है। 8 साल तक टैक्स लगता है ओपन प्लॉट पे, ओपन प्लॉट पे 8 साल तक टैक्स, 8 साल के बाद एग्जेम्प्ट होता है बेटा। होंडा सिटी कार ट्रांसफर बाय एम्प्लॉइंग हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू इतनी फॉर इतने। बेटा मार्केट वैल्यू 15 लाख थी, उसने इसको कितने में दे दी? 14। तो 1 लाख का इसको फायदा हो गया, ये इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। इसके एम्प्लॉयर ने इसको गाड़ी दी है 15 लाख की गाड़ी, इसको 14 लाख में दे दी है, 1 लाख इसकी सैलरी इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों बेटा? सर एम्प्लॉयर ने दिए तो एम्प्लॉयर का ताल्लुक तो सैलरी से है ना, कैपिटल गेन से तो नहीं है या प्रॉपर्टी से तो नहीं है। प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड FTR में जाता है बेटा। डोनेशन टू ओपन यूनिवर्सिटी, जब आप ओपन यूनिवर्सिटी को डोनेशन देंगे सर, स्टेप नंबर 3 में ये कंसेशन, कंसेशन वाला पॉइंट है और कंसेशन नंबर 3 है। और उसके बाद बेटा कंट्रीब्यूशन टू इंप्रूव पेंशन फंड 60,000 व्हेन इज एज इज 40। तो बेटे जो इंप्रूव पेंशन फंड होता है वो भी किधर जाता है सर? वो भी तो स्टेप 3 में, कंसेशन नंबर 3 में जाता है। और बेटा परचेज ऑफ, सर ये भी सेम वही है, कंसेशन 3 है। लास्ट में इस टैक्सेबल इनकम फॉर द लास्ट ईयर इज इतने, लास्ट ईयर को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। आप बेटे हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लो चैंपियन, सबसे पहले बेटा ये हमारे पास बेसिक सैलरी आ गई, फिर हमारे पास ये 130 आ गया, फिर ये बेटा 8 लाख आ गया, फिर बेटे ये मैंने कहा था इसका 10% लेके ये 12,000 आ गया, फिर बेटे ये 170 सर आपने कहा था ये एग्जेम्प्टेड होगा जो ये एम्प्लॉई वाला है, फिर बेटा ये 170 इसमें से मैंने क्या कहा था सर 10% ऑफ बेसिक सैलरी 170 बनता है और 1.5 लाख, इन दोनों में से जो लेस होगा उसको बाहर लिखेंगे, 170 में से -20 आंसर आ गया। सर ये 68,000 का इंटरेस्ट है, आपने कहा था कि 15% फंड, इन दोनों को ऐड करो तो फंड बन जाता है, इन दोनों को ऐड करो तो फंड, इसका 16% लो बेटा। और क्या लेना है? बेसिक सैलरी का 1/3, बेसिक सैलरी का 1/3 लेना है और उसका 16% लेना है, उन दोनों में से जो लेस होगा वो 54 होगा, वो इसमें से माइनस होके यहाँ चला जाएगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा एंटरटेनमेंट बिल हमने रीइंबर्स किए हैं, एज्यूम करना है कि ऑफिस के बिल हैं। परफॉर्मेंस अवार्ड सर टैक्सेबल होता है, ये बेटा परफॉर्मेंस अवार्ड सैलरी में टैक्सेबल हो गया। इंटरनेट बेटा ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा है तो हम क्यों बिल दें इसका, इंटरनेट का किधर गया है? इंटरनेट 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 यही है बेटा, इंटरनेट ये इंटरनेट एग्जेम्प्टेड है, 50,000 अपने ही रिसोर्सेज से दे रहा है, एग्जेम्प्टेड है। प्रॉपर्टी बेटा 2 लाख से ऊपर होगा तो टैक्स लगेगा ना, ये 2 लाख तक एग्जेम्प्टेड होती है। स्पेकुलेशन बिजनेस बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, ये टैक्सेबल है। और शेयर ऑफ AOP सर ये यहाँ पे ना ये देखें टोटल इनकम में ऐड हो गया, शेयर ऑफ AOP टोटल इनकम में ऐड हो गया और ये इसका स्टेप नंबर 2 लगा हुआ है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। स्टेप नंबर 2 भी इसका अप्लाई हुआ है, लेकिन बेटे वो जब मैं कंप्यूटेशन करूंगा तो तब समझाऊंगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटे हमारे पास है सर, नेक्स्ट हमारे पास है फूड प्रोसेसिंग जोन। आपने कहा था सर 5 साल के लिए एग्जेम्प्टेड होता है, 2017 से लेकर 22 तक एग्जेम्प्टेड है बेटा। प्रॉफिट ये जो 80,000 है सर, ये आपने कहा था टोटल इनकम में से माइनस हो जाना है बेटा। एग्री इनकम एग्री पर्पस के लिए यूज हुई तो एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सर, ये स्टेप नंबर लास्ट में जाता है, स्टेप नंबर फाइव में जाता है सर। ये गेन ऑन शेयर जो ओपन प्लॉट है इसको लिखेंगे कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में लिखने के बाद इस पे जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ आएगा सर? वो स्टेप नंबर 4 में आएगा, स्टेप नंबर 4 में सेपरेट ब्लॉक होता है।
बेटा स्टेप फोर जो होता है ना उसको हम कहते हैं सेपरेट ब्लॉग, उसका रेट देख लेते हैं। मैंने रेट लिखे हैं सर, ये 1 लाख का गेन हो गया, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। बेटा ये एफटीआर में जाएगा, एफटीआर इधर बिल्कुल नीचे करके इधर पॉइंट होता है, बिल्कुल नीचे करके क्वेश्चन में होगा। सर ये जो है ये और ये और ये तीनों जो है स्टेप थ्री के पॉइंट्स हैं, और ये स्टेप थ्री यहाँ पे लगा हुआ है आगे करके, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अब बेटा हम पता है क्या करने लगे, सुनो, इन सबको हमने ऐड किया, सैलरी का अलग से टोटल करना है। सर आपने पहले तो नहीं किया था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्यों टोटल कर रहे हैं? फसिया बेटा, अगर कोई बंदा टीचर होगा या प्रोफेसर होगा तो टोटल सैलरी का करना पड़ेगा, बाकी केसेस में ना भी करो तो चल जाएगा। सर क्यों, उसकी रीजन क्या है? मैं रीजन आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आगे आ जाए। बेटे सैलरी इनकम का कब टोटल करते हैं फसिया पुत्र? सर जब वो रिसर्चर होगा टीचर होगा तो हम सैलरी इनकम का टोटल करेंगे, हम सैलरी इनकम का टोटल हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो बात आगे आ जाएगी। बेटा प्रॉपर्टी 2 लाख तक है एग्जेम्प्टेड, ये बेटे इसमें ऐड हो जाएगा। और ये जो है ये देखो ना, इस पे सेपरेट ब्लॉक में टैक्स लग रहा है, सेपरेट रेट, रेट ऑफ टैक्स सेपरेट में लग रहा है। बेटा ये टोटल इनकम, ये माइनस, ये स्टेप नंबर 1 अप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया? सर नहीं बेटा, इसमें हमने शेयर्स ऑफ एओपी ऐड किए तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई, इस पे स्टेप नंबर 1 हमने अप्लाई कर दिया। स्टेप नंबर 1 कैसे अप्लाई होता है बेटा? सर स्टेप नंबर 1 के लिए हमें सिंपल कहाँ जाना है? सर हमें टेबल नंबर 1 में, टेबल जो हमें ए दिया गया उसमें जाना है, रेट देखना है और अप्लाई कर देना, रेट देखना है और अप्लाई कर देना, ठीक हो गया। चलो अब बच्चे स्टेप 2 आ गया। सर स्टेप 2 है डिस्काउंट ड्यू टू शेयर्स ऑफ एओपी। सर आपने कहा था कि लास्ट स्टेप का टैक्स लेना है, ले लिया उसको बेटा, ये जो बगैर बगैर शेयर ऑफ एओपी के इनकम है उससे मल्टीप्लाई और विद शेयर ऑफ एओपी पे डिवाइड, तो ये देखें 257 से 254 हो गया, 3000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। समझ गए हो बेटा, ये डिस्काउंट होने के बाद नेट अमाउंट डायरेक्ट इस फार्मूले से आ जाती है, तो बेटे अब 3000 का डिस्काउंट मिल गया, तो ये अमाउंट बन गए, ठीक हो गया। सर ये तो अब मुझे समझ आ गया कि सर आपको तो ये सारी चीजें याद है, मुझे कैसे याद रहेंगी? बेटे एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा क्वेश्चन जो है ना इस पे लाना बहुत मुश्किल होता है। आपने ये देखो ना, इन चीजों को जरा यहाँ से जेन में रखना है। ये स्टेप 2 हो गया, तो क्या स्टेप 3 मौजूद है? सर बिल्कुल मौजूद है, 4 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, इवन 5 भी मौजूद है। तो अब सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 पे चलते हैं बेटे। स्टेप 3 में अब 2 पॉइंट हैं, एक टीचर वाला भी है और रिबेट वाला भी है। सबसे पहले टीचर वाला करते हैं। टीचर वाला पॉइंट करने के लिए हमें दोबारा से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम सैलरी पे। फसिया बेटा ये गौर से सुनना बेटे, क्योंकि जो टीचर होता है उसका ताल्लुक सैलरी से होता है, और उसकी कंसेशन का ताल्लुक भी सिर्फ उसको सैलरी की हद तक कंसेशन मिलेगी। समझ गए हो बेटा, क्या हम करेंगे? उसकी सैलरी वाली इनकम लेंगे, ले ली, सैलरी वाली इनकम पे दोबारा से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? सर वो जो टेबल ए या जो हमें जो जहाँ रेट दिए होते हैं बेटा, जहाँ टैक्स के रेट दिए होते हैं वहां से जाके कैलकुलेट करोगे। क्या आपको पता है वो टेबल क्या है, या मैं दोबारा से बताऊं? बच्चे टेबल पता है? जी सर। मैंने कहा पुत्र टेबल पता है, कौन से टेबल की मैं बात कर रहा हूँ? सर आप वो टैक्स के रेट वाले टेबल की बात कर रहे हैं कि ये स्लैब। हाँ जी, टैक्स रेट की। हाँ तो बेटे ये वहां से लग के, तो ये दोबारा इसका क्या निकल आया? टैक्स निकल आया। अब बेटे ये जो टैक्स निकलेगा ना, इस पे 25% उसको रिबेट मिले। अच्छा, वो जो डिस्काउंट या कंसेशन जो मिलेगी ना, हम क्या करेंगे, कैसे मिलेगी टीचर को? सर उसकी सैलरी लेंगे, सैलरी पे दोबारा से टैक्स कैलकुलेट करेंगे वहीं से जाके स्लैब रेट से, और उसका 25% लेंगे, तो ये बन जाएगा। सर बन गया, अब आगे चले। अब इस पर डिस्काउंट, हाँ अब बेटा ये 60,000, 65,000 ये वाला आ गया, 60,000 और 35,000 ये वाले आ गए, ये मिलके 160,000 बन गया। फसिया पुत्र इनके नीचे आपको पता है हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि इतनी अमाउंट और इतने तक लेना है, इतनी अमाउंट और इतने तक लेना है, इतनी अमाउंट और इतने तक लेना है। वो बेटा मैंने आपको बताई थी ना, जब पॉइंट बताया था कि एक्चुअल अमाउंट आर 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम आर
150,000 विच एवर इज लेस, याद है वो जब मैंने कंसेशन वाला पॉइंट बताया था, जाऊं वहां से बताऊं या पता है वो पॉइंट? सर एक दफा रिवाइज करवा दूं। मैं बताता हूं बेटे, जब भी आपको ये पॉइंट करना होगा ना, ये वाला कंसेशन वाला, तो आपने, अब मैंने हर दफा नहीं बताना, अब बेटे अच्छे से बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ तो वो फिर, ताकि हर दफा वहां वहां पे मैं आपको लेके ना फिरता रहूं बार बार। ये वाला बेटे आपने हर जगह पे ये लिखना है, जब भी आपने डोनेट, गिवन अमाउंट आर 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, याद रखना हमेशा गिवन अमाउंट छोटी होगी, गिवन अमाउंट आर 2 मिलियन आर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, हमेशा गिवन अमाउंट छोटी होगी, गिवन अमाउंट आर 1,50,000 आर 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, हमेशा गिवन अमाउंट छोटी होगी। ये जो इतना मोटा मोटा करके ये नहीं नीचे लिखा हुआ, ये जो बला नजर आ रहा है कि पता नहीं ये क्या गंद है, ये वही चीज लिखा हुआ, ये जो मैंने आपको बताया है ना अभी बेटे, कि ये देखो ना बेटा, अमाउंट आर 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये देखो अमाउंट आर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 2 मिलियन विच एवर इज लेस, ये उसी चीज को उसने स्टेटमेंट की सूरत में इतना मोटा करके लिख दिया, बंदा डर जाता है। अब समझ गए हो बेटे? तो ये जब भी आपने ये एवरेज रिलीफ वाला पॉइंट करना है, ये वाला पॉइंट जो है ये आपने लाजमी नीचे लिखना है, और यही वो मोटा मोटा करके नीचे लिखेगा। और मैंने ट्रिक क्या बताई है, हमेशा गिवन अमाउंट छोटी होती है, हमेशा गिवन अमाउंट छोटी होती है बेटे। इन सबको ऐड करो, इस पे रिलीफ मिलेगा, इस पे आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला है, वो मैं बताता हूँ। रिलीफ बेटे, लास्ट स्टेप वाला टैक्स लो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड कर दो, ये है टैक्सेबल इनकम। सर यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो फर्स्ट स्टेप वाला टैक्स दिया गया, आप लास्ट वाला कह रहे हैं। अच्छा तो बेटे मैंने क्या बोला है कि सर आप यहाँ तो फर्स्ट वाला ले रहे हैं, बेटे ये देखो मेरी बात सुनो, ये है फर्स्ट स्टेप का टैक्स, ये है अमाउंट अलाउड, और ये है टैक्सेबल इनकम। सर लास्ट स्टेप वाला क्यों नहीं दिया? पसिया पुत्र अब बड़े गौर से सुनना मेरी बात, जब भी किसी क्वेश्चन में एओपी वाला पॉइंट होगा, पहले स्टेप वाला टैक्स लेंगे एवरेज रिलीफ लेते हुए, एवरेज रिलीफ से मुराद ये वाले चारों पॉइंट है, रिबेट वाले या रिलीफ वाले, ये वाले चारों पॉइंट है, ये वाले चारों पॉइंट, रिबेट डिस्काउंट को बोलते हैं, रिबेट रिलीफ को बोलते हैं। जिस क्वेश्चन में, मैं अब बड़े गौर से 3-4 दफा बोलूंगा, जिस क्वेश्चन में एओपी दिया होगा उसमें जब भी रिलीफ लेंगे, जब भी रिलीफ लेंगे, जब भी रिलीफ लेंगे बेटा, जब भी रिलीफ लेंगे तो वो किस पे लेंगे, बच्चे जब भी रिलीफ लेंगे तो वो किस पे लेंगे? सर आपने कहा है जब भी रिलीफ लेंगे तो वो लेंगे फसिया पुत्र, आवाज आ रही है? हेलो सर, अब आ रही है। चलो अच्छा बेटे, मैं क्या बता रहा था कि जब भी लेंगे जिसमें एओपी होगा तो पहले स्टेप वाले टैक्स पे हम रिलीफ लेंगे। तो सर अगर एओपी ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर बेटा लास्ट स्टेप वाली अमाउंट, लास्ट स्टेप वाला लेंगे, बस ये बात, ये समझाने वाली बात। तो बेटे अब ये देखो, ये डिस्काउंट निकल आया, ये यहाँ से माइनस होके ये निकल आया आंसर। उसमें से बेटा मैंने आपको बताया था कि ये जो ओपन प्लॉट वाला होता है ना, 8 साल तक, 8 साल के बाद एग्जेम्प्ट होता है बेटे। वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ओपन प्लॉट वाला पॉइंट दिया हो ना, ये देखो यहाँ पे नीचे है, ये ओपन प्लॉट है, ऊपर है, ऊपर ये बेटा पॉइंट, ओपन प्लॉट अगर हो ना बच्चे, ये देखो, और होल्डिंग पीरियड ये हो, तो क्या करते हैं 75% ऑफ
गेन लेते हैं और शेड्यूल नंबर थ्री में चले जाते हैं। ये देखो बेटा 75% ऑफ गेन लिया और शेड्यूल नंबर थ्री में चले गए, तो ये इस पे 5% टैक्स लगेगा, ये सामने आ रहा है। तो इसी तरह बेटा जो गेन है उसका 75% लिया, फिर उस पे 5% लगाया, ये निकल आया, ये उसमें ऐड हो गया। लास्ट में बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक स्टेप 5 था वो माइनस हो गया, और एफटीआर प्राइस बॉन्ड पे जो रेट लग रहा है बेटा मैंने अभी बताया रेट एफटीआर के रेट मैंने आपको दिए हुए, एफटीआर के रेट मैंने आपको दिए हुए दे दिए थे आपने, तो वो बेटा 15% है, वो यहाँ लगा दे, समझ गए हो बेटा। तो इस तरह